A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground Floor, John Tower, College Chauraha, Rewa. नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं आपके साथ उर्वशी। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बुधवार की शाम गोविंदगढ़ का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान ऐतिहासिक गोविंदगढ़ तालाब व गोपाल बाग का निरीक्षण किया। अधिकारियों को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कहा, तालाब को पर्यटन केंद्र बनाए जाने के लिए सौंदर्यीकरण जरूरी है, साफ स्वच्छ बनाकर पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाए। कलेक्टर ने स्टीमर से तालाब का भ्रमण किया। इसके बाद गोपाल बाग पहुंचकर रेस्ट हाउस देखा। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को निर्देशित किया, कहा कि पुनर्घनत्वीकरण योजना से जीर्णोद्धार का कार्य किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। कलेक्टर ने नगर परिषद से तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए उपलब्ध बजट से शीघ्र कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए, जिससे गोविंदगढ़ की खोई हुई भव्यता पुनः लौट आए। कलेक्टर ने गोविंदगढ़ किले का विधिवत निरीक्षण किया। उन्होंने पर्यटन विभाग के अधिकारी को अच्छी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि किले के सौंदर्यीकरण करने वाली एजेंसी से संपर्क करें, संबंधित एजेंसी को अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने किला पहुंचकर मार्ग के किनारे स्थित अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी को दिए। कलेक्टर ने अपने भ्रमण के दौरान उद्यान विभाग अंतर्गत संचालित गोविंदगढ़ रोपड़ी का भ्रमण किया। उन्होंने सुंदरजा आम के प्लांट को अवलोकन किया, रोपड़ी का विकास करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा, सुंदरजा आम रीवा जिले की शान है, इसको GI टैग मिल गया है, ऐसे में अधिक से अधिक क्षेत्र में आम की खेती हो। सहायक संचालक उद्यान को कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। तो आइए आपको सुनाते हैं कलेक्टर प्रतिभा पाल का क्या कुछ कहना है। आज की जो विजिट है वो गोविंदगढ़ के तालाब के साथ में गोविंदगढ़ किले की भी है। गोविंदगढ़ किले में चूंकि लंबे समय से रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, लेकिन अभी तो बारिश की वजह से हो सकता है काम बंद हो, लेकिन जो किले के रेस्टोरेशन का काम चल रहा है वो तय समय सीमा में ख़त्म हो, ताकि इस किले को पर्यटकों के लिए खोला जा सके। साथ ही गोविंदगढ़ जलाशय बहुत ही बड़ा जलाशय है यहाँ का, उसको टूरिज्म की दृष्टि से हम लोग और कैसे इसका विकास कर सकते हैं, इसके लिए विजिट की है। साथ ही यहाँ के जो सुंदरजा आम, जो गोविंदगढ़ की पहचान है, जिसको भी GI टैग भी मिला है, इसकी नर्सरी भी हम लोगों ने देखी है। नर्सरी में कुछ छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, वो टेकअप करके नर्सरी और बेहतर कैसे हो सके, इस विषय पर चर्चा की गई। अ न्यूज अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय ProSkill Hub। गेट योर ड्रीम जॉब। एड्रेस: ग्राउंड फ्लोर, जॉन टावर, कॉलेज चौराहा, रीवा।